इसको कल से इंटरेस्ट हुआ है कि प्लेमोर्चिंग बजाने का कि मांगनियारा का टापर तो सुर में ही रोवी बॉक्सिंग एक मेरा नया इंस्ट्रूमेंट लाया आज आप पूछे हाँ रईस जी मांगणियार के सीधा मां के घरा पूछे हाँ आज मैं थान दिखाऊंगा और बताऊंगा आपनी जो धुन ही आपनी जो संस्कृति की धुन ही आपने जो संगीत की धुन ही बक कठे आवी ही कौन कौन सा यंत्र ही बाको नाम की है क्या बन बजाया जाही खमागनी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गांव और हमारे घर पधार आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा नाम रईस खान और मेरा गांव हरबा। हम तो चारों भाई है। बारमेर बॉयज बैंड है, पहले 10 साल से हमारा चल रहा है। उनके साथ काम किया है तो काफी कंट्रिया और काफी शहर में भी। थारे समुदाय को क्या नाम है? मंगनियार है, जो म्यूजिक का घराना है, जो संगीत से शुरुआत से जो हमारा बच्चा अभी कह जाए कि मांगणियारा का टापर तो सुर में ही रोवी जानते ही सुर में रोवी अगर मांगणियारा सुरीलो नहीं है तो वो मांगणियारी को नहीं। बिल्कुल सही बात कही था। तो 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 खिलौना ही अगर है का संगीत का यंत्र होगा तो मैं सुर में ही रोऊंगा। चारों भाई ये खरताल मोरचंग बपंग शेरू भी चार पंच मिनट बजाते हैं। मेरा मोरचंग बपंग खरताल और बीट बॉक्सिंग एक नया सीखा है। सिर्फ है वो मोरचंग भी बजावा है, खरताल भी बजावा है और बपंग भी बजाओ और हारमोनियम बजाओ और गावा भी है मैं। और रजाक है जो रजाक ढोलक बजावा है और बस उर्वर तो ढोलक और मोरचंग दोनों। मतलब एक आदमी तीन चार तो कर ही ले। हाँ, अब क्योंकि हम परिवार में शुरुआत में सब मोरचंग पकड़े हो सारे मोरचंग बजा और हमारा लड़को है उस सोहिल वो भी मोरचंग में इलाज शुरुआत में मोरचंग हो गए। उम्र हो जाए 9 साल। मैं सिखा रहा था तब तो बोला नहीं। अच्छा। स्कूल वगैरह जा रहा था, अब बोला कि मुझे भी सिखाओ। तो आपने संगीत कहाँ से सीखा? मैंने शुरुआत से 8-9 साल का था तब से मेरे मोरचंग सीखा मेरे फादर से। पिताजी ने वो मेरे पिताजी वो अलादीन खान वो मोरचंग और पपंग करताल बजाते हैं। गाजी खान जी के साथ में करता था वो मेरे संगीत में बच्चा था उस टाइम तो मेरे वो गुरु बने उस्ताद जी तो उनसे खरताल वगैरह साथ में काम करता था और शो वगैरह करता था धीरे धीरे करते करते। फिर प्लेयर रहमान सर के साथ में एमटीवी में एक गाना किया था रांझा रांझा करके जिसमें सरूती हसन जी ने भी गाया था। पीर जलानी हमारा है सूफी गाना है वो किलिनचन सर के साथ में भी किया। अमित त्रिवेदी सर के साथ में भी एक क्यों ना हिंदी सॉन्ग था जिसमें मेरा मोरचंग सोलो। और बॉलीवुड में कौन सा गाना है आपने दर्शक बॉलीवुड भी बहुत सुने? हाँ बिल्कुल, रांझा रांझा है वो है और एक पीर जलानी है कोक स्टूडियो बाड़मेर बॉयज अमर बैंड रो है। बाकी एक एल्बम भी किया है आउट ऑफ कंट्री के साथ में मम्फोर्ड एंड सॉन्स और कभी आईट्यून फेस्टिवल भी कॉन्सर्ट भी किया तो और उसके बाद में एल्बम भी रिकॉर्ड करी तो एक दो तीन गाना उठे भी हिट हुआ थोड़ा अच्छा लगा। एक रोलिंग स्टोन एक बैंड है जो दुनिया की सबसे बड़ी है उन्हें साथ एक रोस्किल्डे फेस्टिवल हमारे बैंड बाड़मेर बजे बेला करियो तो उठे जो अमर के थ्रू गए थे। आउटकास्ट ऑफ रोलिंग स्टोन पहले हमने परफॉर्म किया तो बहुत खुशी थी कि वो एक बहुत बड़ी बैंड है उसके उनसे पहले हमको बजाने का मौका मिला। अभी जो एक बैंड बनाया है हमने नया बनाया है उसका नाम है जैसलमेर बीट। तो जैसलमेर बीट ICCR पैनल में भी है हमारा तो उसमें हम लोग कलाकार है जैसे शेरू में चार भाई है और दो एक तबला प्लेयर है और एक और भी आर्टिस्ट है तो हम साथ में मिलकर कुछ एक नया कुछ करना चाहते हैं। जैसे एक जैसलमेर बीट दो तीन चार गाने वगैरह बनाए हैं उसका शूट वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह अभी कुछ करना है तो उनमें 20-25 दिन हुए अभी चालू ही है कि 4-5 गाने का निकाल के जल्दबाजी में थोड़ा प्रमोट करके और मार्केट में आना चाहते हैं। बिल्कुल नए तरीके से बिल्कुल बिल्कुल पूरे राजस्थान जैसलमेर बीट ने ज़रूर पसंद करेगा। और अब थे मैंने एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी बताते हैं मार्गदर्शकन। ओके ये खरताल है जो
दोनों हाथों में, एक दो दो हाथों में बजाते हैं, और ये मोरचंग है जो साहस अंदर और बाहर लेते हैं और मुंह उसमें बजाते हैं। और ये है बपंग जो एक डबरू की तरह है और इसके अंदर एक स्ट्रिंग लगी हुई वो उससे बजाते हैं। और ये है ढोलक और ये हारमोनियम, तो आपने सुना। बच्चों को संगीत सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं सबको? जी बिल्कुल, संगीत की भी दे रहे हैं और स्कूल वाली भी दे रहे हैं। हाँ स्कूल की भी दे रहे हैं। अभी अच्छा। स्कूल लग गई तो लॉकडाउन की वजह से सारे बंद ही है, और अभी घर पे वो बच्चे के सीखते ही रहते हैं, क्योंकि अब जिसको अब इस बच्चे को जितना रुचि होगा, जब हम लोग कहेंगे तब तो नहीं सीख पाएगा, अब इसके अंदर खुद ही जागरूक होगा कि भैया अभी मेरे को सीखना है, तो अब वो इसको कल से इंटरेस्ट हुआ है कि पहले मोरचंग बजाने का। अच्छा, इसकी उम्र कितनी है? इसकी 4 साल। और घर की महिलाएं भी गाती हैं? जी अब मेरे दादी जी वो गाती थी, अब उनके बाद कोई अभी गाने वाले है नहीं। घर की जो बेटियां हैं वो भी सीख रही हैं गाना बजाना? अब वो जो कोई भी किसी को इच्छा हो तो सीखे, मगर वो सीखते हैं नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहर से कोई सीखना चाह रहा हो गाना बजाना, आप स्कूल भी देते हैं किसी? मैं एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री और कंट्री में ऑनलाइन क्लासेस मेरे चालू है। बाहर से मेरे काफी मोरचंग के फ्रेंड है, तो बोले कि मुझे मोरचंग क्लास वगैरह ले रहे, तो उनको। विदेशों से कितने लोग ले रहे हैं आपसे? मेरे अभी 8-10 लोग। ई मोरचंग ने जत्थे मुंह बजाओ तो कोई मुंह को तकलीफ करे, कितनी देर तक कंटिन्यू बजा सकते? एक डेढ़ घंटों भी बजा ले हो, मगर तकलीफ एक तो कंटिन्यू जो बजाना है जैसे वो तो बहुत मुश्किल है। कंटिन्यू मतलब नॉन स्टॉप, स्टॉप करके फिर थोड़ा ब्रेक लेके ऐसा अच्छा, अगर स्लो में सब अलग अलग स्टाइल से, अगर फास्ट बजाएंगे तो फिर 10-15 मिनट 20 मिनट। अभी कोरोना वाला टाइम आया, लॉकडाउन हुआ तो थाने के दिक्कत हुई कमाए? लॉकडाउन में तो कलाकार वही दिक्कत है कि वही धंधो ये कलाकार और कोई धंधो कर बस गानों बजानो, प्रोग्राम करो, शादी ब्याह में जानो, वही जे वो सारे कुछ 10-15-20 लोग ज़्यादा इकट्ठा होने दे तो लोग भी प्रोग्राम नहीं करा सके, और गवर्नमेंट ने अला मतलब 15-50 लोग 100 लोग ज़्यादा, अगर 50 लोग शादी में होना हो तो शादी का कोई प्रोग्राम भी जो है तो 50 लोग 10-15-20 कलाकार आवे तो बुला लें तो वो ना बहुत मुश्किल हो जाए। और बाकी जो फेस्टिवल वगैरह वो सब कुछ जो भी हो रहे थे फेस्टिवल वगैरह से तो सारा काम बंद हो, तो कलाकार ने बहुत दिक्कत आई। अच्छा हमारे गांव में कुछ कलाकार 20 फैमिली है, परिवार है, तो उन्होंने हमारे दोस्त है जो हमारे में जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन है, फ्रेंड है, जो कोई फेस्टिवल डायरेक्टर है कोई, तो वहाँ लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँ कि वो अभी हेल्प करी। हरी कलाकार की सरकारों कोई मांग है, कोई इच्छा है कि सरकार थारो सहयोग करे? हमारी तो एक सबसे बड़ी मांग यही है कि कलाकार वास्ते सरकार ने बहुत सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कलाकार वास्ते बाकी सब लोगों के लिए सरकार कर रही है, तो कलाकार भी वास्ते, कलाकार वास्ते कला ही है, गानों बजाना वही काम है और दूसरों का काम है नहीं, कोई सरकार ने अबार तो कलाकार वास्ते कोई मदद नहीं मिली। अभी कलाकार मतलब की संख्या जो है, एक आज 10-15 साल पहले 20 साल पहले जो कलाकार की संख्या होती, अभी भी बताए कलाकार ही या फिर कलाकार की कमी आ रही है कि कोई और दूसरों काम धंधो पकड़ी? अब दूसरों तो है कि अगर लॉकडाउन अब ऐसे रहे कलाकार का धंधा बंद हो जाएगा तो फिर कोई ना कोई दूसरा धंधा करना पड़ेगा। कला को महत्व है, अपनी सरकार ने भी समझनो और जाननो चाहे तो कलाकार को सहयोग होना चाहे, और झलको राजस्थान की तो यही मांग है या यही राय है कि आप अपने कलाकारों को सम्मान करा, अपनी कला ने अपने कलाकार जाना कि वह किस संगीत ने गा रहे हैं, की इंस्ट्रूमेंट ने बजा रहे हैं, और अपनी पहचान ने अपनी संस्कृति ने कह बचा रखी है। झलको राजस्थान देखता रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। Yeah.